कोई भी व्यक्ति कोरोना में घर में नहीं मर रहा है, आप रिपोर्ट को चेक कीजिएगा, अस्पताल में जाने के बाद लोग मर रहे हैं, चेक कीजिएगा इस रिपोर्ट को। जेल तो मेरी किस्मत में लिखी है, मैं जाऊंगा, उसकी मुझे परवाह नहीं है। केंद्र सरकार के खिलाफ तो बिगुल बजा दी है, शंखनाद है, प्रचंड वार करूंगा, प्रचंड वार। मैंने एक बात बोला था आपको कि रेलवे स्टेशन में एक चाय वाला चाय बेचा करता था, आज चाय वाला देश को बेच रहा है, ट्रेन को बेच रहा है। ये भारत आत्मनिर्भर होगा या अंबानी निर्भर भारत बनेगा? 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे हम वो करने वाले हैं जो आज तक देश में किसी संगठन से देखने लगूंगा लाइव। अभी आसाम, बिहार, सिक्किम, अखिल गोगोई, अभी मणिपुर के मुद्दे हैं। अखिल गोगोई के लिए मैं आ रहा हूं आसाम, 15 अगस्त के बाद मैं निकल रहा हूं आसाम। डॉक्टर कफील के लिए मेरी टीम, मेरी वाइफ, ये लोग जा रहे हैं। मेरी वाइफ वैसे भी उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करती है, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एडवोकेट सरिता मलिक, नाम सुन लेना बीजेपी के भक्तों, एडवोकेट सरिता मलिक। डॉक्टर कफील के लिए, अखिल गोगोई के लिए और जितने भी एक्टिविस्ट को जेल में डाला है ना, उनके लिए मेरी पूरी टीम आ रही है। भाई और बहनों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूं, हक के साथ। हर रिक्शा वाला, हर ऑटो वाला, हर सब्जी वाला, सड़क पे छोटे मोटे काम करने वाले मेरे मैकेनिक साथियों और भाइयों और बहनों, नर्सों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, सरकारी अधिकारी और मेरे जो लोग कुछ ना करते हो मेरी तरह अनएम्प्लॉयड, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। मुझे सरकारी नौकरी की कभी अभिलाषा नहीं थी, लेकिन देश के युवाओं को इसकी जरूरत है। अगर एक राष्ट्र नौकरी ना दे पाए, आसाम भी आ रहा हूं, अखिल गोगोई को छुड़ा के दम लूंगा। और सुधीर मेहता जी, आपने मुझसे पूछा था कि समाधान क्या है, अंकल जी 15 तारीख का इंतजार कीजिए, और वो तमाम लोग इंतजार कीजिए 15 तारीख को, लाइव रहिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। हाथ जोड़ के विनती करूंगा और हक के साथ कह रहा हूं, रेबल सदानंद पति आप लोगों से आह्वान करता है, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नंबर 8880092747। हाँ, मैं एक बात बोलूंगा, 5 लाख से 10 लाख से ज्यादा कॉल आ रहे हैं, सबका कॉल उठा नहीं पा रहा हूं, लेकिन 15 अगस्त के बाद ये कॉल डाइवर्ट हो जाएगा, हर एक के कॉल उठेंगे, हर एक की शिकायतें सुनी जाएंगी। लेकिन 15 अगस्त तक थोड़ा मुझे झेल लीजिएगा।